फोर नंबर में देखिए दिया हुआ है 54x³y माइनस का 128y का पावर 4। यहाँ पे देखिए ना आप इन सब में देखेंगे तो देखिए ना क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और एक y कॉमन हो जाएगा, यही ना जी। तो अंदर बच जाएगा 27x³ और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा आपका 64y³। अब इसके बाद देखिए 2y ब्रैकेट के अंदर देखिए 3x³ और माइनस में 4y³। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आइडेंटिटी लगा देते हैं, जगह 2y इंटू में 3x माइनस का 4y, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर, यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस में 3x इंटू में 4y और प्लस में 4y का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, 2y इंटू में 3x माइनस का 4y और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस का 12xy और प्लस का यहाँ 16y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब